कि वहां हम ऐसा देखते हैं कि कोई ना कोई वहां पर नशा होते रहता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको उखाड़ फेंकने की आप जिम्मेदारी लेते हैं? आप कोई कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं करेंगे। आप उसको रोकने के लिए प्रशासन को फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हमको फोन करेंगे और उस जगह को हम साफ सफाफ एक अच्छा माहौल देंगे और आने वाले कल में हमारे बच्चे जो अच्छा जिंदगी गुजारने बनेंगे। आज हमारी रिक्वेस्ट है ऑफिसर्स के लिए, हम लोग खास करके मीटिंग रखा गया है कि किस तरह इन्होंने सपोर्ट करके आपको आज 5 महीना हो गया तकरीबन, कोई डिस्टर्ब हुआ आपको? कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। इंशाल्लाह आने वाला कल में जैसा इन्होंने वादा किया है कि हम लोग पूरा तरीके से एक अच्छा माहौल के साथ वहां रहेंगे। दूसरी बात हमारी यह है कि हम एक कमेटी की तस्कील करेंगे खासकर झोपड़पट्टी वालों के लिए। वहां कुछ आदमी तस्कील होगी, उसको आप जिम्मेदार मानेंगे, उसकी बातों का मानेंगे? आप आवाज उठा के बोले भाई, जिसको हम तस्लीम करके आपके सामने रखेंगे उसको आप तो मानेंगे ना? वो खड़ा है, मतलब लाल भाई खड़ा है, ठीक है, वो आपके खिलाफ नहीं, आपका भले हो दुश्मन हो, लेकिन कमेटी का मंदिर होने के बाद, कमेटी के मेंबर होने के बाद एक जिम्मेदार हो गया। आवाम जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद, मेरी माँ बहन जिंदाबाद। अगर आप लोग नहीं होते तो ये काम कर नहीं पाते, ये आपकी ताकत है। आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि एक सपना देखे हम, एक ख्वाब देखे हम, तो उसको आसियाना बसाएंगे, उसको बस्ती बसाएंगे और वो भी टिका पड़ेगा, सरजमीन पे गिना जाएगा। वो झोपड़पट्टी नहीं है, वो हम इंसानों का बस्ती है। वहां से भी आईपीएस बन के निकलेगा इंसान का, वहां से भी डॉक्टर बन के निकलेगा, वहां से ही बैरिस्टर बन के निकलेगा। बस आपकी मेहनत होना चाहिए, आपकी लगन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि माहौल को हम चेंज करेंगे, कोई बाहर से आके चेंज नहीं करेगा। आज ये हजरात आते हैं।